एज छुपाने के लिए या यंग लगने के लिए HRT का इस्तेमाल नहीं किया जाता शोभा, आई थिंक यू मिस्टेकन। कोशिश करूंगा कि तुम्हें कैसे भी न्याय दिलवा के रहूं, क्योंकि अगर मैं नहीं कर सका ये तो शायद मैं अपनी गलती का प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। और मनोज ही ने मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाई है। आप जोखिम उठाइए जी, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। हमें अपने मिशन से पीछे नहीं हटना है। तुम मेरा आर्टिकल पढ़ोगी ना? आदमी सड़क का, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो? अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए पूनम की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा रहा है। जो एक काल गल है, आम लड़की है, कौन मसीहा उसकी रक्षा करेगा? जो शिकार हुआ क्या उसी पर आरोप लगेगा? हर उम्र खूबसूरत है औरत के लिए। उम्र का बदलता पहिया औरतों को कई जिंदगियों से गुजारता है। जवानी पाने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग नहीं होना चाहिए। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हैं? वाह क्या बात है, तुमने मेडिसिन के साथ साथ कविता करनी भी शुरू कर दी। नहीं, ये मेरी लाइन नहीं है, मुसाफिर की लाइन है। कौन है वो? अच्छा हाँ, जर्नलिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इट्स वेरी गुड, सोचने पर मजबूर कर देता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉलर को इंसाफ जरूर मिलेगा। सिमरन, यहाँ सालों लोग इंतजार करते हैं इंसाफ के लिए, उन्हें इंसाफ मिलता है? मानस, बी पॉजिटिव। इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है, इनफैक्ट इसी मुद्दे पर आज विमेंस फोरम में मीटिंग भी है हमारी। चलो देखते हैं तुम्हारा दबाव क्या असर लाता है। अरे बच्चा भी मारा, आपको सुनने के लगे नहीं जा सकती। आई का अपॉइंटमेंट है, हटिए, आप सुनिए, नहीं जा सकती। कौन सा अपॉइंटमेंट था? कमाल है, अपॉइंटमेंट चाहिए। मेरा पोता इतना बीमार है और इसे अपॉइंटमेंट क्यों पड़ी है? ये अस्पताल है या किसी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जहाँ अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है? आप प्लीज बैठ जाइए। आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठिए। हाँ भाई बैठिए, बैठिए, ठीक है, तुम जाओ, चलिए चलिए काम पे लगे, चलिए। बताइए क्या बात क्या है? मेरा पोता बीमार है, ऐसे ही थोड़ा हॉस्पिटल में आया है, दो दिन से उसकी हालत बहुत खराब है, उल्टी और लूज मोशन लगे हैं। नहीं, बीमार तो काफी है आपका बच्चा, एक आध दिन अगर आप देर से आते तो मुश्किल हो जाती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, घबराने की अभी कोई बात नहीं है। हेलो, हाँ वो जरा वायरस का सलूशन चाहिए। आपको बच्चे को आधे दिन के लिए एडमिट करना होगा। हाँ? आधे दिन के लिए, घबराने कोई बात नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना होगा उसे। What is it, Manas? कुछ नहीं, डिहाइड्रेशन का केस है, थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट इट्स अंडर कंट्रोल। हाँ ये क्या है? ये ORS का घोल है, मुझे लगता है इसका इलाज अभी से शुरू कर देना चाहिए। वैसे इस पूरे पैकेट को 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है और बच्चे को दिन भर पिलाना है। 2-3 पैकेट मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप बाजार से ले लीजिएगा और हफ्ते भर इस ट्रीटमेंट को चालू रखिए। अरे बच्चा इतना बीमार है, आप ये पिला रहे? आप मेरे पास आई है तो इत्मीनान तो रखिए। हम नहीं आए, हमें ये लेकर आई है। हम तो जा रहे थे बड़े अस्पताल, इसने कहा कि इस नर्सिंग होम का बड़ा नाम है, इसलिए हम आ गए।
माँ जी प्लीज तू चुप रह, ये है इनका इलाज, पुड़िया पकड़ाते हैं, डॉक्टर है ये कोई पान वाले। क्या बोलती चली जा रही हैं आप? हाँ क्या आप चाहती क्या है? आपके बच्चे को बड़ी बड़ी मशीनों के बीच बैठा दूं, 10-15 उसे इंजेक्शन दे दूं, 25 दवाइयां लिख दूं और 15 दिन के लिए उसे एडमिट कर दूं, 5 लाख का बिल आपको दे दूं, तभी आपको लगेगा कि इलाज हुआ है? कमाल कर रही हैं आप। और आप ही जैसे लोग हैं जिसकी वजह से शहर भर में इस किस्म के अस्पताल पनपते हैं जहां इलाज धीरे भर का होता है और लाखों का बिल आ जाता है, और आंख के ऑपरेशन में कान काट के घर भेज देते हैं वो अलग। मानस प्लीज। या बट कर रहे हैं इलाज, अब जरा धीरज रखिए। अब आइए मेरे साथ, आइए, आप रुकिए यहीं, आइए बैठिए प्लीज। देखिए काम डाउन, आप घबराइए मत, हम आपके पोते का अच्छी तरह से इलाज करेंगे, और आपने अपने पोते की जो तकलीफ बताई है उसके लिए दुनिया भर में ORS का इस्तेमाल होता है, और ये बहुत सेफ है क्योंकि इसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है। आपका पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस भी रख सकती हैं। अगर आपके पोते को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। यही बात कर लेते हैं, और जिसे जो भी कहना हो यही कहे, हम नहीं चाहते कि हमारे आपस के मतभेद मीडिया तक पहुंचे। वर्मा जी, मीडिया में यह खबर पूरी तरह से सनसनी फैला चुकी है। अगर आपने पहले ही पार्टी कॉन्फ्रेंस में लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए तो हमने आप लोगों को यहां बुलाया हुआ है कि हम सब मिल करके इस मैटर को सॉल्व कर लें। वर्मा जी, पहले ये स्पष्ट करिए कि बलात्कार आपके बेटे ने ही किया। देखिए, बलात्कार एक गलत शब्द है, और वो लड़की कॉल गर्ल थी। बात जबरदस्ती की है, आपका बेटा मनोज इसमें इन्वॉल्व है, आप मुश्किल में पड़ चुके हैं। देखिए, मामला बेकार में तूल पकड़ रहा है, एंड आई एम श्योर इसमें अपोजिशन पार्टी का हाथ है। उस अखबार के संपादक पांडे को क्या आप लोग नहीं जानते? पत्रकारिता सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है उसके लिए। जो भी हो वर्मा जी, अब पार्टी की रेपुटेशन को तो धक्का लग ही चुका है, अब आप किसी भी तरह इस मैटर को सुलझाइए जल्दी से, जैसे भी। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ। अगले महीने नगर पालिका का चुनाव है, आपको पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप ऐसा क्यों करते, मुसाफिर से मिलकर बात कीजिए। यही तो नहीं पता चल रहा है कि ये मुसाफिर है कौन। एनीवे, मैं पता कर लूंगा। वुमेन इशू का बड़ा पक्षधार लगता है वर्मा जी। अगर इस मामले को महिलाओं की समिति ने विरोध और जुलूस निकालने के लिए इस्तेमाल किया तो अपना आधा वोट बैंक गया सर। बंबई के सारे अखबारों में खबर छप चुकी है, इससे पहले ये नेशनल न्यूज बन जाए आप मनोज से माफी मंगवाइए या मीडिया का मुंह बंद कीजिए, नहीं तो आपकी पेशी दिल्ली हेडक्वार्टर में होगी। अफसोस की बात है कि अपनी खूबसूरती पाने के लिए हजारों औरतें आज अपनी सेहत गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। HRT इस कॉम्बिनेशन हार्मोन ट्रीटमेंट पर काफी रिसर्च की गई है, और उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। इनमें से कुछ साइड इफेक्ट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर और हार्ट डिजीज। मुझे आपके आर्टिकल की सबसे अच्छी बात ये लगी जहां आपने लिखा है कि उम्र का हर मोड़ खूबसूरत है, एंटायर लाइफ इज ब्यूटीफुल। इट इज, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज ने हम औरतों को बचपन से ही कंडीशन किया हुआ है कि हमारी खूबसूरती ही सब कुछ है, इट्स आर ओनली एंड आर बिगेस्ट एसेट। पुरुषों को रिझा सकें बस इतनी काबिलियत होनी चाहिए हमें। खून फिर कर हर चीज हमारी बॉडी पर सेंटर हो जाती है, जैसे शरीर ही सब कुछ है। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री ने भी हम औरतों का ब्रेन वॉश कर दिया है। माँ को माँ नहीं लगना चाहिए, बूढ़ा हमेशा जवान लगना चाहिए। आई मीन व्हाट इज दिस? आप ही मुझे बताइए, एक बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग औरत भी आज खूबसूरत बिल्डिंग्स डिजाइन कर रही है, फर्नीचर डिजाइन कर रही है, अच्छी अच्छी फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, मदर टेरेसा जैसा खूबसूरत दिल रखती हैं, क्या आप सब इसे ब्यूटी नहीं कहेंगे? और उस औरत के बारे में आप क्या कहेंगी जो कॉल गर्ल बनकर शरीर का व्यापार करती है? Well, मैं कहूंगी that that's very unfortunate, क्योंकि गरीबी में या फिर लाचार होकर या फिर लालच में आकर ऐसी औरतें। आज के अखबार में मुसाफिर का एक आर्टिकल छपा है, नासिक में एक लड़की के साथ हुए बलात्कार की निंदा की गई है। जी हाँ, मैं आज के इस वुमेन्स फोरम में ये मुद्दा उठाने ही वाली थी, बल्कि आज हमारे बीच प्रेस भी है, मीडिया के लोग भी हैं,
तो मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि पूनम के साथ किए गए अत्याचार के लिए हमें भी आवाज उठानी चाहिए। वी ऑल मस्ट सपोर्ट हर। पूनम जैसी लड़कियां औरतों के नाम पर कलंक है, कॉल गर्ल है वो। तो क्या हुआ? दुनिया में पैसे के लिए जो किसी भी मर्द के साथ सोने को तैयार हो जाए, उनकी इज्जत क्या होती है जो इज्जत की बात करती है? इज्जत तो मर्दों का दिया हुआ एक शब्द है। जब किसी लड़की का रेप हो जाता है तो क्या उसकी इज्जत नहीं रह जाती? कॉल गर्ल की इज्जत ही क्या होती है बताइए सर आप? क्यों, क्या वो इंसान नहीं रह जाती? थैंक यू, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मिनिस्टर वर्मा अपने बेटे को इस बलात्कार के इल्जाम से सिर्फ ये कहकर नहीं बचा सकते कि इस देश की हर पूनम पर हर आदमी का अधिकार है, या फिर किसी भी पूनम को उनके द्वारा की गई जबरदस्ती को मना करने का अधिकार नहीं है। ये सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब क्या कहती हैं? क्या सोचा था कि तुम्हारा बाप मंत्री और तुम कुछ भी करो वो तुम्हें बचा लेगा, मगर इस बार जो हरकत तुमने की है मैं तुम्हें बचा ही नहीं सकता। चारों तरफ इसकी चर्चा है, महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं और अपोजिशन पार्टी इसका पूरा पूरा फायदा उठा रही है। तुम्हारी वजह से तो मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म समझो। पार्टी अपना रेपुटेशन बचाने के लिए मुझसे इस्तीफा मांगेगी और तुम्हें जेल में डालकर अपने न्याय का ढिंढोरा पीटेगी। अरे तेरा कैरियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शर्म आती है कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर एक असहाय लड़की के साथ जो किया सोच भी नहीं सकता। जाओ अपने दोस्तों के साथ अंडरग्राउंड हो जाओ। इस बीच में मैं इस केस को विड्रॉ कराने की कोशिश करूंगा। जनमत की अदालत कुछ भी कहे, अपराधियों को हिरासत में लेना तो दूर, पुलिस ने पूनम की कंप्लेन तक रजिस्टर करने से अरे अरे कर दिया। ये सब मत लिखो। क्यों अभिमन्यु, तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हो? पुलिस के खिलाफ मत लिखो। देखो अगर कोई काम शुरू किया तो उसको अंजाम तक तो ले जाना पड़ेगा, और जब पूनम इतनी हिम्मत दिखा रही है तो फिर पूनम को हिम्मत तुम्हारी हिम्मत देख कर मिलती है और मुझे भी, वरना मम्मी को ठीक करने की कोशिश मैं अकेले कर ही नहीं सकती थी। हाँ श्री, बस वैसी हैं। अच्छी बात ये हुई है कि उस दिन के बाद उन्होंने प्ले एक्टिंग करना और मेकअप करना बंद कर दिया है। यस यस, धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, आई एम क्वाइट श्योर। और मैंने उन्हें डॉक्टर सिमरन का आर्टिकल भी दिखाया। डॉक्टर सिमरन? हाँ, ये डॉक्टर सिमरन मुंबई की बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा रेपुटेशन है उनका। शी इज वेरी गुड, वो औरतों के हक के लिए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत काम करती हैं। और ये आर्टिकल कितना अच्छा लिखा है उन्होंने, हर उम्र खूबसूरत है। मैंने ये मम्मी को भी पढ़ाया और कहा कि देखिए औरतें जवान दिखने के लिए कितनी हार्मफुल ड्रग्स लेने लगी हैं। अच्छा है ना ये आर्टिकल? उन्होंने इनर ब्यूटी की बात की, हालांकि डॉक्टर सिमरन खुद कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी लग रही है फोटोग्राफ में। अरे ये क्या, फोटोग्राफ बाय डॉक्टर अभिमन्यु जोशी। अरे इनके फोटोग्राफर का नाम भी अभिमन्यु है। इस अभिमन्यु में और इन अभिमन्यु में कोई लेना देना नहीं है आपस में। है, तुम उन्हें नहीं जानते लेकिन वो तुम्हें जानती हैं। ये तो मैंने तुम्हें कल का पेपर दिखाया जो मैंने मम्मी को पढ़ाया था, और ये रहा आज का पेपर। इसमें डॉक्टर सिमरन ने तुम्हारे एक आर्टिकल की बहुत तारीफ की है। जरा सोचो अभिमन्यु, तुम्हारा आर्टिकल डॉक्टर सिमरन तक ने पढ़ा है और वो तुम्हारे विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। डॉक्टर सिमरन ने पूनम के साथ हुए बलात्कार की निंदा की। आजकल मुसाफिर का लेख शीशों का मसीहा कोई नहीं बहुत चर्चा में है,
जनमानस को हिला देने वाले मुसाफिर के विचारों से डॉक्टर सिमरन ने पूरी तरह से सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसाफिर जैसे पत्रकारों की समाज को जरूरत है। सिमरन ने पढ़ा है आर्टिकल। अमीन नाम डॉक्टर सिमरन जैसे सेलिब्रिटीज भी रिएक्ट तो कर रहे हैं। चलो अनजाने में ही सही, सिमरन ने मेरे काम की तारीफ तो की, मेरे काम से सहमत तो है। आस्ता वन लास्ट वन बच्चा लास्ट, बस थोड़ा सा रह गया ना बच्चा। इधर आ, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हे आस्ता माय लिटिल प्रिंसेस, देखो देखो कौन आया है, कौन आया है गुजु बाबा। मानो मानो प्लीज अभी खाना खाए उल्टी कर देगी। उप्स I'm so sorry, my little princess. I'm so sorry. क्या है जब प्यार आता है ना तुम्हारी तरफ तो कुछ ज्यादा ही आता है, कुछ जोर से आता है। शगुना, शगुना, हाँ, मिस्टर चुपचुप, how are you? कैसी हो? शगुना इसे भेजा, इसका हाथ मुंह धोके फिर बढ़िया सी कॉफी बना दे। आप मेरे लिए भी एक माइल्ड कॉफी, सिमरन की तरह। माइल्ड? काय बात कर रहा है मिस्टर चुपचुप? अभी मेरे भाई से शादी करने का तो माइल्ड कॉफी नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने का। वैसे सिमरन, स्ट्रॉन्ग होना अलग बात होती है और अग्रेसिव हो जाना अलग बात हो जाती है। आज के पेपर में रेप केस और मुसाफिर के कॉलम को लेकर जो तुम्हारी स्टेटमेंट्स छपी है, मुझे डर है कहीं तुम इस मामले में फंस ना जाओ। आफ्टर ऑल इट्स बिकम अ पॉलिटिकल इशू एंड यू शुड बी मोर केयरफुल सिमरन। भाई चिट्ठी है। अरे मुसाफिर की चिट्ठी, दैट इज सो स्ट्रेंज, अभी उसके बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर सिमरन, आपने मेरे लेख को सराहा, धन्यवाद। मैं भी आपके विचारों की कद्र करता हूँ। आपके सपोर्ट से मेरा हौसला और बढ़ गया है। थैंक्स मुसाफिर। या जस्ट रीड दिस। देखा मनु, मुसाफिर दुनिया से निडर होकर पूनम को न्याय दिलाने की कोशिश में है। हमारा सपोर्ट उसके लिए कितना जरूरी है, डोंट यू थिंक सो? वो गुंडे लोग फिर से आ गए हैं सर, और इस बार तो हॉकी भी की चेन मेल लेकर क्या है। पुलिस को फोन करो। पुलिस को बुलाएगा? मना क्या था तेरे को ये मिनिस्टर के बेटे से पंगा नहीं लेने का? चला के दिखा अखबार। मुसाफिर कहाँ? मुसाफिर, हम सब मुसाफिर हैं भाई। मस्करी मत कर। मैं पूछता हूँ मुसाफिर कहाँ? कौन मुसाफिर भाई? अरे मैं नहीं जानता किसे मुसाफिर मुसाफिर कौन? झूठ बोलता है तू। मुसाफिर कहाँ? कल तक मुसाफिर का कॉलम बंद हो जाना चाहिए, समझे? वरना तुझे भी देख लेंगे और सड़क के आदमी को भी। Come on! Yes, sir! Yes, yes! Yes, yes!